नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। लद्दाख सीमा पर भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना की खूब अच्छे से धुलाई की थी। शायद ऐसी धुलाई वॉशिंग पाउडर भी नहीं करता होगा। इस धुलाई में तकरीबन 50 चीनी सैनिक मारे गए, वो भी बिना किसी हथियार के। तो सोचिए, अगर भारतीय सेना मिस्टर इंडिया वाले अनिल कपूर की तरह गायब होकर जंग के मैदान में लड़े, तो पता नहीं इस बारबी डॉल वाली सेना को कैसे कैसे मारेगी और कहां कहां मारेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी सेना गायब कैसे हो सकती है, ये तो संभव ही नहीं है कि वो मिस्टर इंडिया बन जाए। इससे पहले कि आप मुझे प्यार और चीनी सैनिकों को गालियाँ दें, ये रिपोर्ट देख लीजिए। दरअसल चीन को भी मालूम है कि वो युद्ध में बाहुबल से नहीं जीत सकता। अब चाउमीन और चमगादड़ का सूप पीने वाले शुद्ध देसी घी और गाय के दूध पीने वालों से लड़ेंगे तो क्या होगा। इसलिए चीन अब तकनीक का सहारा ले रहा है, साथ ही लिप बाम का भी। खैर, चीन ने हाल ही में एक नया सूट लॉन्च किया था जिसका नाम है एक्सो स्केलेटन सूट। चीन सोच रहा है कि इससे चीनी सैनिक आयरन मैन की तरह बन जाएंगे। चीनी भोपू ने दावा किया कि इस सूट से सैनिकों के घुटनों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और वो ज़्यादा सामान ले जा सकते हैं। अब दुश्मन देश तैयारी करे और हम हाथ पर हाथ धड़े बैठ जाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब जल्द ही आपको भारतीय सेना में भी ऐसा सूट दिखाई देगा जिसके बाद वो गायब हो जाएंगे। ये कोई बहुत बड़ी साइंस कार्य नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि ये मुमकिन ही नहीं है। दरअसल दक्षिण कोरिया ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने हाल ही में ऐसी क्लॉकिंग स्किन तैयार की जिसे पहनने के बाद सैनिक या कोई भी अपने आसपास के वातावरण में ऐसे घुल मिल जाएगा कि दिखाई ही ना दे। ये कुछ ऐसे ही होगा जैसे गिरगिट की त्वचा या फिर ऑक्टोपस की त्वचा आसपास के माहौल में घुल मिल जाती है। ये स्किन एक तरह से छलावरण होगा। दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों की यह कोशिश वैज्ञानिक जर्नल एडवांस्ड फंक्शनल मटेरियल्स में छपी है। इस तरह की आर्टिफिशियल स्किन के पीछे खास विज्ञान काम करता है। इसमें पिक्सलराइज स्किन होती है जो थर्मोक्रोमिक लिक्विड क्रिस्टल यानी TLC का इस्तेमाल करती है। TLC वो तत्व है जो खास तापमान पर खास रंग में बदल जाता है। पहले से ही वैज्ञानिक इसका उपयोग हीट ट्रांसफर में करते आए हैं। साथ ही कपड़े बिल्कुल आधुनिक होंगे, ये थर्मल कंट्रोल्ड होंगे और कुछ इस तरह के से तैयार होंगे कि सैनिक इसे पहनने के बाद थर्मल इमेजिंग कैमरा को भी देख सके। अब थर्मल इमेज कैमरे का पता चल जाए तो सैनिकों को ढूंढना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्किन का इस्तेमाल करने के बाद वो दुश्मन सैनिकों के लिए और घातक हो जाएंगे। इसके साथ ही ये काफ़ी फ्लेक्सिबल भी होंगे ताकि वो फिट आ सके। डेली मेल ने इस खबर को प्रकाशित किया है और इस आर्टिफिशियल स्किन की कई सारी खूबियाँ भी बताई है। ये कई टुकड़ों में होगा इसलिए इसे पहनने में भी आसानी होगी। अब जैसे ही ये खबर सामने आई कि भैया दक्षिण कोरिया इस तरह की कपड़े बना रहा है, तो विश्व भर के देशों में इसे लेने की लालसा भी जाग उठी और अंदेशा लगाया जा रहा है कि बाकी देश के सैनिक भी इस तरह के स्किन को लेना चाहे। फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है कि किसी भी देश के साथ दक्षिण कोरिया की कोई डील हुई हो, लेकिन यूरेशियन टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में भारतीय सेना के एक अधिकारी के हवाले से आया है कि दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाई के मैदान में इस तरह की आर्टिफिशियल स्किन काफी कारगर हो सकती है, खासकर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए। भारत की इस ड्रेस को लेकर उम्मीद इसलिए ज्यादा है क्योंकि दक्षिण कोरिया के रिश्ते चीन से बेहद खराब है और मोदी के नेतृत्व में दक्षिण कोरिया के भारत से रिश्ते अच्छे हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि भारत इस तरह की डील जरूर करेगा। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल इंडियन आर्मी के पास जो ड्रेस है वो काफ़ी हद तक उन्हें छुपाने में मदद करती है। जैसे ज़मीनी इलाकों में लड़ाई के लिए घास और मिट्टी से मिलती जुलती यूनिफॉर्म रहती है, जबकि बर्फीले इलाकों में सफ़ेद कलर की। लेकिन इसके बाद भी जवान पूरी तरह से छुप नहीं पाते और नजर आते हैं। अगर ऐसे में दक्षिण कोरिया की आर्टिफिशियल स्किन आ जाए तो पड़ोसियों के लिए और खतरनाक होगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।